जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी की गई है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे या फिर आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज़ की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर के द्वारा पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपको 12 पोस्टें जारी की गई हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। तो दोस्तों, इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 20/8/2021 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर में भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आपने या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या फिर आपने इसे स्पीड पोस्ट के जरिए सेंड करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 12 दी गई है, जिसमें जनरल की 6 है, एससी मजहबी के लिए 2 है, अदर्स एससी के लिए 1 है, फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 1 है और ईएसएम जनरल के लिए 2 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी इसमें बीए या बीएससी होनी चाहिए और आपकी 10th में पंजाबी सब्जेक्ट पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपकी इसमें 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 37 साल तक दी गई है, जो कि काउंट की जाएगी 1/8/2021 तक। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन परफॉर्मे की। तो इसमें आपको नीचे इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है जो आपने इसे भरकर सेंड करना है। तो दोस्तों, इसमें आपने सबसे पहले नेम लिखना है ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपका फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी, इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपने ज़रूर लिखना है और ईमेल आईडी भी ज़रूर डालनी है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपने पंजाबी सब्जेक्ट पास किया है तो आप यहाँ पर इसे यस लिखोगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इसके साथ अटैच उसकी कॉपी अटैच कर सकते हो और आपने यहाँ पर वो आपने एक्सपीरियंस लिखना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जिसमें मिडिल, मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई अदर है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आपने अपना प्लेस, डेट और सिग्नेचर करना है और इसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, 10th की एग्जामिनेशन या जिसमें आपने पंजाबी सब्जेक्ट पास किया है वो सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड और इसके बाद आपकी 2 आइडेंटिटी अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी साथ में भेजनी है। तो दोस्तों, ये आपने पूरा इसके ऑफिशियल एड्रेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर में इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना है। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।